जीवन साथी चला गया, कोई ज्यादा उम्र नहीं थी,
बेटा अंबरीश पिता का साया उतर गया। पुत्र के लिए पिता क्या है? सब कुछ है। पिता ब्रह्मा, पिता विष्णु, पिता भगवान। दुनिया में पिता से बढ़कर नहीं कोई मेहरबान। दुनिया में पिता से बढ़कर के कोई चीज नहीं है दुनिया में। यह दिन का कर कट्ठा आशियाना बनाता है, यह दाना दाना कर कट्ठा बच्चों को खिलाता है। बच्चों की पूरी जिद करता देकर जान दुनिया में। पिता ब्रह्मा, पिता विष्णु, पिता भगवान दुनिया में। आओ उस आत्मा के लिए, क्योंकि समय बहुत कम है, बोलने वाले शब्द ज्यादा है, समय को देखते हुए ये चीजें परमात्मा ने अपने हाथ में रखी है। इंसान क्या सोचता है, परमात्मा क्या चाहता है। तेरे हाथों विच आना, तेरे हाथों विच जाना, तेरे हाथ जिंद
भगवान शंकर की भक्ति करता था। मकोसा बता रहे थे वो 25-26 सालों से मंदिर के प्रधान पंडित जी भी बता रहे थे, बड़े नेक काम करते थे अपने जीवन में। देखिए एक आदमी भगवान शंकर की भक्ति करता था, भगवान शंकर 15-20 साल हो गए इसको मेरी भक्ति करते करते, भगवान शंकर उसके पास आए, कहने लगे भक्त तो मेरी भक्ति करता है, तूने मेरे से आज तक कुछ मांगा नहीं, मैं तुझे कुछ देने आया हूं, बोल तुम्हें क्या चाहिए। कहने लगा भोलेनाथ आपका दिया हुआ सब कुछ है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मेरा कारोबार बढ़िया चल रहा है, मेरी औलाद अच्छी है, रहने के लिए कोठी अच्छी है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, प्रभु आपका दिया हुआ सब कुछ है। भगवान बोले मैं जा रहा हूं फिर। कहने लगा आप जा सकते हो। भगवान बोले मैं तुझे कुछ देने आया था। कहने लगा नहीं महाराज आपका दिया हुआ सब कुछ है, जिस पायो संतोष धन सो जन वालो माल, जिसके पास संतोष है सबर है उसके पास तो सब कुछ है, जिसके पास सबर संतोष नहीं कुछ भी नहीं। भगवान बोले मैं जा रहा हूं। कहने लगा जा सकते हो। जब भगवान जाने लगे उस भक्त ने भगवान को आवाज मारी महाराज ठहर जाओ। भगवान बोले से कुछ मांगना याद आ गया इसलिए इसने मुझे आवाज मारी। भगवान बोले क्या बात है। कहने लगा महाराज आप रहते कहां हो। भगवान हंस पड़े। कहने लगे 15-20 साल से तू मेरा नाम जप रहा है, तुझे पता है कि मैं कहां रहता हूं। कहने लगा नहीं पता। भगवान बोले ब्रह्मा जी ब्रह्म लोक में रहते हैं, विष्णु जी विष्णु लोक में रहते हैं, मैं शिव हूं शिव लोक में रहता हूं। कहने लगा आप मुझे उस शिव लोक के दर्शन करा दो, जिस शिव लोक में आप रहते हो वो शिव लोक दिखा दो। भगवान बोले चलो मेरे साथ, मैं तुझे पीछे पीछे जा रहा है। क्या कहता हुआ जा रहा है, बोल मन मेरे ओम नमः शिवाय, बोल मन भोलेनाथ का नाम ले लो, अपना भी कल्याण है, भैया विनोद शर्मा जी का भी कल्याण है। बोल मन मेरे ओम नमः शिवाय, बोल मन मेरे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः बोल मन मेरे ओम नमः शिवाय, बोल मन मेरे। भगवान शंकर आगे आगे भक्त पीछे पीछे, शिवलोक आ गया। भगवान बोले ये मेरा शिवलोक है, मैं रहता हूं यहां पर, तू शिवलोक देख ले, बहुत बड़ा है मेरा शिवलोक। भगवान बैठ गए, उस भक्त ने शिवलोक देखा। शिवलोक देखने के बाद भगवान शंकर के पास आया। कहने लगा महाराज मैंने शिवलोक आपका देख लिया। भगवान बोले कैसा लगा। कहने लगा बड़ा अच्छा लगा, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। भगवान बोले ऐसी कौन सी बात तेरी समझ में नहीं आई। कहने लगा आओ। भगवान शंकर जी को साथ ले लिया। कहने लगा महाराज आपके शिवलोक के अंदर मैं देख रहा हूं ये मिट्टी के दीवे जल रहे हैं, मिट्टी के दीवे जल रहे हैं महाराज, कोई दीवा बड़ा कोई दीवा छोटा, किसी दीवे में तेल ज्यादा किसी दीवे में तेल थोड़ा, कोई दीवा बुझने वाला है कोई दीवा बुझा पड़ा है महाराज, शिवलोक में प्रकाश पहले ही बड़ा है लेकिन ये दीवे क्यों जल रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। भगवान शंकर बोले सृष्टि करता तू ब्रह्मा। अरे भक्त ब्रह्मा सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, विष्णु सृष्टि की पालना करते हैं, मैं शिव हूं, मौत का महकमा मेरे पास, मौत का हिसाब का मैं रखता हूं। कहने लगा मैं अभी भी नहीं समझा। भगवान बोले ये दीवे जो जल रहे हैं ये दीवे उन लोगों के नाम के जल रहे हैं जो लोग दुनिया में गए हुए हैं, ये दीवे उन लोगों के नाम के जल रहे हैं। कहने लगा जो दीवे मुझे पड़े हैं भगवान बोले वो मर चुके हैं। कहने लगा किसी दीवे में तेल थोड़ा है भगवान बोले उनकी जिंदगी थोड़ी। कहने लगा किसी दीवे में तेल ज्यादा
है। कहने लगा फिर मैं भी दुनिया से आया हूँ, मैं भी मातृलोक से आया हूँ, मेरा दीवा भी आपके पास होगा। भगवान बोले तेरे खानदान का दीवा मेरे पास है। कहने लगा मेरा दीवा कौन सा है? भगवान ने दीवा उठाया उसके हाथ में रख दिया, ये तेरा दीवा है। कहने लगा मेरे दीवे में तेल थोड़ा है। भगवान बोले तेरी जिंदगी के दिन भी थोड़े। कहने लगा भोलेनाथ अभी तो मैंने लड़के की शादी कर दी, लड़की जवान है, लड़की की शादी कर दी है महाराज, दो बच्चे हैं मेरे। भगवान बोले तेरे दीवे में तेल थोड़ा है, तेरी जिंदगी थोड़ी। कहने लगा भोलेनाथ एक काम करो। भगवान बोले क्या करो? कहने लगा जो दीवा तेल का भरा हुआ है ना सामने, उसका तेल मेरे दीवे में डाल दो। भगवान बोले किस लिए? कहने लगा मेरी उम्र बढ़ जाएगी, मैं दो बच्चों की शादी तो कर दूंगा। भगवान बोले जिस दीवे का तेल निकालूंगा, कहने लगा उसकी उम्र घटती है, घट जाए मेरा काम तो हो जाएगा। कहने लगा मैं अपने आप कर लूं। भगवान बोले तेरी आत्मा मानती है तो कर ले। एक हाथ में अपना दीवा है जिसमें तेल थोड़ा है, दूसरा दीवा उठाया दूसरे हाथ से। जब अपने दीवे में तेल डालने लगा, भगवान शंकर बोले सोच ले क्या करने लगा है। कहने लगा सोचना क्या है? भगवान शंकर बोले सोचने क्या करने लगा है? जिस दीवे का तेल तू अपने दीवे में डालने लगा है, पता किसका दीवा है? तेरे जवान पुत्र का दीवा, जिसकी तू शादी करना चाहता है, लड़की ढूंढ रहा है जिसके, तेरे जवान पुत्र का दीवा है। जब इतनी बात सुनी दोनों हाथ कांप गए, दोनों दीवे जमीन पर गिर गए। तेल कहां गया, बत्ती कहां गई? आप शिव लोक में मर गया, उसका जवान बेटा समाप्त लोक में मृत्यु को प्राप्त हो गया। एक ही समय में पिता पुत्र दुनिया से चले। दीवे दी लो वांगो जिंदगी का खेल वे, वो जे जाना दीवा जब मुक जाना। मैं कह रहा था नवीन मक्को जी से कि मक्को साहब गुणम आपके हैं, लेकिन इनके दीवे में तेल थोड़ा था। कई इंसान दुनिया में आते हैं, कई कई महीने चार पाई पर पड़े रहते हैं, भगवान से मौत मांगते हैं, मौत मिलती नहीं। कर्म उनके अच्छे थे, ठीक है, उम्र छोटी थी, ये दुख बड़ा है। चला जावे प्राणी का सुना सुना लगता है, लोड़ पवे जब माँ प्यो की पता उस वेले लगता है। माँ बाप क्या चीज है? पत्नी पसंद से मिलती है, माँ बाप बड़े पूर्ण कर्मों से मिलते हैं, इनके प्राण कैसे निकले? देखो सुखपूर्वक निकले, वो कष्ट नहीं पाया। उनके दीवे में तेल इतना ही था, इतनी देर दुनिया में रहे, लेकिन जितनी देर भी रहे, देखो ये लैन टूट नहीं रही, कितनी लंबी लैन है। कि उनका प्यार था, रसूख था उनका, ये बड़ी बड़ाई थी उनकी। आज इतनी संख्या में हम लोग आ रहे हैं, कोई लोग दुनिया से ऐसे भी चले जाते हैं जिनको याद करने वाला कोई नहीं होता। अच्छा जीवन बिता करके गए, उनके लिए सिर्फ दो लाइनें जरूर मैंने कहनी है। सब कह लेना मेरे साथ, आप आया हुआ सफल हो जाएगा। हम सब की दुआएं लेता जा, जा तुझको हरी का द्वार मिले। हम सब की दुआएं लेता जा, जा तुझको हरी का द्वार मिले। ऐसी भी किसी मौत आए जिससे सारा घर बार हिले, ऐसी भी किसी की ना मौत आए जिससे सारा घर बार हिले। हम सब की दुआएं लेता जा, जा तुझको हरी का तेरा जीवन साथी ये बोला तुम तो मझदार में छोड़ गए। पति है स्वर्ग की सीढ़ी, पति श्रृंगार नारी का, पति के जितने भी आज्ञाकारी हो, लेकिन परमात्मा ने ये पति पत्नी का जो रिश्ता बनाया ये अनोखा बनाया। तेरा जीवन साथी ये बोला तुम तो बाधे, तुम सारी बात
बच्चों के मन के भाव, बच्चों की हंसी को ग्रहण लगा, भाई बहन तुम्हें याद करें। अजय भैया के राम लक्ष्मण की जोड़ी, कृष्ण बलराम की जोड़ी, बच्चों सबसे अपना अच्छा जीवन बिता करके गए हैं, परोपकार वाला जीवन बिता के गए, धर्म करते हुए दुनिया से गए, ऐसी आत्मा को प्रभु अपने चरणों में स्थान देंगे, कोई शंका वाली बात नहीं। पीछे परिवार में भी हर प्रकार की सुख शांति हो, आगे का कार्यक्रम मेरे भाई साहब आपको बताएंगे। बोलो शंकर भगवान की। करुण क्रांति की गोद आदरणीय पंडित जी, करुण प्राण की कथा का समापन के लिए और मंच पर परम श्रद्धेय महंत रमेश दास जी और आदरणीय पंडित चंद्र प्रकाश जी और आज की शोक सभा में उपस्थित मातृशक्ति आदरणीय भाई, मेरे बुजुर्ग, युवा शक्ति, दुख की घड़ी में उपस्थित हुए हैं। जैसे आप सभी जानते हैं, एक भारी सभा में से उठकर एक हमें सदमा दे गए जिसको हम कभी भूल नहीं सकते। एक शख्स चला गया, इंसान चला गया, व्यक्ति चला गया, पर्सन चला गया, पर उसकी शख्सियत, इंसानियत, व्यक्तित्व चैंपियन ऑफ चैंपियन। मेरे साथ उनकी 30 साल की एसोसिएशन, 1991 में मानव कल्याण समिति का गठन हुआ जिसके फाउंडर हमारे बीच बैठे हैं श्री मनीष जी हांडा। उसके बाद उन्होंने लगातार हर साल मां भगवती का जागरण सालाना करवाया, जिसमें हिंदुस्तान की बेहतरीन पार्टियां बॉलीवुड से ऋचा शर्मा 3 बार उस स्टेज पर पहुंची, अनुराधा बोडवा, मास्टर सलीम, ये सब विनोद जी शर्मा जी की देन है। अगर मैं उनकी खूबियों को आपके सामने रखूं, ये सारा दिन और रात बीत जाएगी, फिर भी उनकी खूबियां बकाया रहती हैं। उनकी डिक्शनरी में, जैसे नेपोलियन की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल लफ्ज नहीं था, उनकी डिक्शनरी में नो लफ्ज ही नहीं था। मैं तो अगर चैंपियन और चैंपियन से ऊपर उठकर कहूं तो वे महात्मा थे। ऐसी शख्सियत मिलना मैं तो नहीं मानता कि संभव है। आपका हजूम, आपका इकट्ठ इस बात का साक्षी है, गवाह है कि आप विनोद जी शर्मा जी से कितना प्यार करते हैं। हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, मैं, आप, परिवार और जमाना उनको ढूंढेगा, ना जाने वो कहां होंगे। मेरे पर उन पर इतने उपकार, मैं उतना इतना उनका ऋणी हूं। जो घाटा परिवार को, आपको और मुझे पड़ा है, वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। कुछ बातें मैं आपसे शेयर जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि मैं उनके बड़ा नजदीक रहा हूं। शुक्रवार को 4:15 बजे से लेकर 6:15 बजे तक उनके ऑफिस में उनके सामने बैठा था। ये हादसा जो शनिवार का है, बड़ी बातें हुई। कुछ बातें मैं आपसे जरूर कहूंगा, शायद आप नहीं जानते। एक बड़ा ही खूबसूरत मंत्र वो बोला करते थे, शायद
मुझे भी सुनने को मिला, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वत दा भला। विनोद जी शर्मा के बारे में मैं क्या क्या कहूं, वो एक बड़ी ही महान शख्सियत के मालिक थे। मात्र 55 साल की उम्र में 100 साल का काम वो करके, सारी लायबिलिटीज पता नहीं कैसे वो पूर्ण करके चले गए। एक बात मैं और आपसे शेयर करना चाहता हूं, मेरे छोटे बेटे से अपने बच्चों शाही वो प्यार करते थे। मेरा छोटा बेटा, उसका भी जन्म 2 जनवरी 1988 था, विनोद जी का जन्मदिन था 2 जनवरी 1966। 22 साल हो छोटा था उनसे। कभी भी उनको कोई रजिस्ट्रेशन करवानी है, कोई होटल का रूम बुक करवाना है, कोई एयर टिकट रिजर्व करवानी है, तो उसी को बोलते थे। उनका ऑरा इतना स्ट्रांग था, वाइब्रेशन का इतना प्रभाव था, पहली बार जो भी उनको मिलता था उनका कायल हो जाता। बड़े बड़े मुद्दे उन्होंने चुटकी में सॉल्व कर दिए। ये परमपिता परमेश्वर की उन पर अपार और विशेष कृपा था। शनिवार वे हमें छोड़कर चले गए, शुक्रवार सुबह मेरे बेटे ने तत्काल में रिजर्वेशन कराई और 9 बजे यहां शताब्दी से पहुंच गया। उसने उसको भी उन्होंने बुला लिया अंतिम दर्शन के लिए। ऐसी महान आत्मा के बारे में मैं क्या क्या बोलूं। हमारे बीच हमारे रिस्पेक्टेड डिग्निटरीज, महानुभाव जो मेरे पास नाम आए हैं, उनको तो मैं बोलूंगा, जो रह गए मैं क्षमा चाहूंगा, मेरे तक नहीं पहुंचे। और आप यहां जो आए हैं, परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से, फ्रॉम द कोर ऑफ अवर हार्ट, मैं आप सबका अभिनंदन, स्वागत, खैर मकदम करता हूं, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर आज की शोक सभा में, दुख की घड़ी में परिवार के साथ जो दुख शेयर किया है। कहते हैं दुख में आने से दुख आधा रह जाता है, सुख में जाने से खुशी दुगनी हो जाती है। ये आपका बहुत ही धन्यवाद। यहाँ पर बड़े बड़े महानुभाव पहुंचे हैं, प्रिंट मीडिया पहुंचा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पहुंचा है, मानव कल्याण समिति रजिस्टर्ड के फाउंडर जनाब विनीत हांडा जी, कैलेवर प्लाजा के तमाम सज्जन महापुरुष यहां पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत है, धन्यवाद है। पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल, आदरणीय श्री रोहतास गोयल जी, एमडी आमेक्स लिमिटेड, जनाब सुनील बेदी जी सीएमडी जीएमडी, जनाब राजेश वाडिया जी जेएमडी, आदरणीय श्री विकास पासी जी एप्पल हाइट्स, आदरणीय श्री प्रदीप शर्मा जी एमडी प्रेसिडेंट स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल, आदरणीय श्री रामजी दास जी सेक्रेटरी बीजेपी, लुधियाना प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन, आदरणीय श्री हरीश राय जी हांडा, आदरणीय श्री गुरदीप सिंह जी गोशा, आदरणीय श्री हरि सिंह जी, आदरणीय श्री हरि सिंह जी बराड एक्स काउंसलर, कमेटी दुर्गा माता मंदिर सराबा नगर लुधियाना, आदरणीय डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सरदार बलवान सिंह जी, आदरणीय सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सरदार गुरपाल सिंह जी, आदरणीय बेदी साहब काउंसलर,
आदरणीय मनजीत सिंह प्रेसिडेंट होटल एसोसिएशन लुधियाना, राजगुरु वेलफेयर एसोसिएशन आदरणीय सरदार भुपिंदर सिंह जी, काउंसलर आदरणीय श्री अश्विनी सोहता जी, आदरणीय श्री सुनील कपूर जी सेक्रेटरी कांग्रेस, और भी जहां जो मेरे आदरणीय डिग्निटरीज महानुभाव बैठे हैं, जो नाम मैं नहीं बोल सकता उनसे मैं क्षमा चाहूंगा। हमारे पास कंडोलेंस लेटर्स अलग अलग संस्थाओं से पहुंचे हैं, उनके भी मैं नाम आदरणीय श्री लक्ष्मण द्रावड़ जी, शोक पत्र जो यहां पहुंचे हैं उनके नाम मैं क्रमवार आपके सामने रखूंगा। माता वैष्णो देवी मंदिर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी फिरोजपुर रोड लुधियाना, श्री ब्राह्मण सभा रजिस्टर्ड 544E रणजीत सिंह नगर लुधियाना, MLA आदरणीय श्री भारत भूषण जी आशू, आदरणीय श्री ML अग्रवाल जी, ML अग्रवाल हाउसरी प्राइवेट लिमिटेड लुधियाना, आदरणीय श्री सुनील मौदगिल जी, आदरणीय श्री अमरीक सिंह जी पत्रा प्रेसिडेंट पताड़ हाउस एंड दीपक सिनेमा रोड होलसेल क्लॉथ ट्रेडर्स एसोसिएशन लुधियाना, बाल गोपाल गौशाला श्री दर्शन लाल लटू जी, JK अरोड़ा प्रॉपर्टीज न्यू शिवपरी लुधियाना, प्रिंसिपल श्री SS सोटी, मैं क्षमा चाहूंगा सोटी साहब के जहन, मैं सोटी साहब से जाति तौर पर क्षमा चाहूंगा। प्रेसिडेंट कुलवीर सिंह जी नेका वेलफेयर सोसाइटी जे ब्लॉक DRS नगर लुधियाना, आदरणीय श्री गुरचरण सिंह जी टक्कर चेयरमैन वेलफेयर काउंसिल मॉडल टाउन एक्सटेंशन लुधियाना, मिनरवा मार्केट वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर्ड लुधियाना, श्री रमीत मलिक लुधियाना, श्री ज्ञान स्थल मंदिर सभा रजिस्टर्ड और लाला जगत नारायण निष्काम सेवा सोसाइटी रजिस्टर्ड लुधियाना, अरोड़ा महासभा रजिस्टर्ड लुधियाना, आदरणीय सरदार गुरचरण सिंह जी प्रेसिडेंट कैलेबर प्लाजा शॉपकीपर वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर्ड AC मार्केट ऑपोजिट पताड़ हाउस लुधियाना, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर सभा C ब्लॉक BRS नगर लुधियाना, समूह मंदिर कमेटी श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर जे ब्लॉक, समूह शिव शक्ति महिला संकीर्तन मंडल जे ब्लॉक, श्री राधा संकीर्तन मंडली जे ब्लॉक, मानव कल्याण समिति रजिस्टर्ड जे ब्लॉक, और कुछ शख्सियतें आदरणीय श्री रंजीत मनी पाठशाह पंजाबी सिंगर, मिस्टर जनैल सिंह जी, आदरणीय श्री रविंदर अरोड़ा जी प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट BJP, आदरणीय श्री हरीश हांडा जी, आदरणीय सरदार गुरदीप सिंह जी गोशा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अकाली दल,
आदरणीय श्री के छाबड़ा जी, आदरणीय श्री वरिंदर शर्मा जी एडवोकेट, और भी जो यहां शख्सियतें बैठी हैं, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और आप अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से उस परवरदिगार परम पिता परमेश्वर अल्लाह वाहेगुरु राम रहीम के चरणों में नमन करता हूं, प्रार्थना करता हूं और अर्जोई करता हूं कि श्री विनोद शर्मा जी की दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान देकर इस आवागमन से मुक्त कर दें और शर्मा परिवार को अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से एश्योरेंस देना चाहता हूं कि हमारे लायक कोई भी काम उनको पड़े उस काबल समझते हुए हमें याद करें। अगर हम उनके काम आ सकें तो ये सबसे बड़ी सच्ची और सूची विनोद जी को श्रद्धांजलि होगी। ये ज्ञान सभा है, कुछ बातें मेरे कुछ मुखड़े मेरे जहन में दस्तक दे रहे हैं। तुम्बा जिंदड़ी का सदा नहीं बजने रहना, एक दिन तार ने टूट जाना जब बस डाटे दे पैना। समान सौ वर्ष का पल की खबर नहीं, आ जाए तब बुलावा ये भी फिक्र नहीं। ये जो जिंदगी मिली है, देखिए सारे संसार में 195 कंट्रीज हैं, वैसे 196 हैं, ताइवान को यूनाइटेड नेशन ने रेकॉग्नाइज नहीं किया, और 7.5 अरब के करीब पॉपुलेशन है। 5 चीजें किसी किसी के साथ नहीं मिलती, डीएनए, फिंगरप्रिंट्स, शक्ल, स्वभाव और मुकद्दर। मुकद्दर मां पूरा था आता, दा पूरा रहा आता, रहा पूरा, ये हल्टर नहीं सकते, कभी मुकद्दर बराबर नहीं रहता। और 6 चीजें उस परम पिता परमेश्वर ने अपने पास रखी हैं, जन्म, मरण, यश, अपयश, लाभ और हानि, ये उसी की देन है। उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते हमेशा उसका नाम अपने लब पे रखा करो, क्योंकि उसकी महिमा परंपार है। सारे समुद्र की स्याही बना ली जाए, सारे वृक्षों की कलम बना ली जाए, ब्रह्मांड का कागज बना लिया जाए, उसकी महिमा लिखी नहीं जाती। उसकी कायनात की रचना जो की गई है, क्या बात है, हमें उसको हमेशा सजदा करते रहना चाहिए। तो समय को देखते हुए 3 बार हम गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। मैं सभी से प्रार्थना करूंगा कि अपने अपने इष्ट को अपने जहन में बसाकर सच्ची एक प्रार्थना कीजिए। जिन प्रेम की होते नहीं प्राप्त पायो, उसको अपने जहन में बिठाकर, ताकि हमारे जो विनोद जी शर्मा, उनके बारे में मैं क्या क्या उनकी खूबियां मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर मैं यहां आपके सामने रखना चाहूं ये दिन रात बीत जाएगा। मेरी उनके साथ इतनी एसोसिएशन थी, इतना वो मुझे प्यार करते थे, और जो भी मेरे पर उन्होंने एहसान किए हैं, तो वो उनको मैं कैसे चुकता करूं, कैसे चुकता कर सकता हूं, वो है नहीं। पर परिवार को मैं अपनी तरफ से गुजारिश करूंगा कि जब भी कोई काम पड़े मुझे एक लिस्ट का मारे या कहें, मैं नंगे पांव उनके पास पहुंचूंगा, यही मेरी एक उनके प्रति श्रद्धांजलि होगी। तो 3 बार सभी एक स्त्री और मेरे पास पहुंची है, मैं बार बार यही कह रहा हूं कि क्षमा चाहूंगा। ये जो हमारे सामने बैठे हैं, ये विनोद जी के प्रति आपका प्यार है, इतना बड़ा प्यार मैंने कभी भी किसी शोक सभा में नहीं देखा। तो आदरणीय सुनील जी कंट्रैक्टर आरएसएस, वो भी हमारे बीच यहाँ पहुंचे हैं, उनका भी हम परिवार की तरफ से धन्यवाद करते हैं। तो सभी 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, उसके बाद हमारे आदरणीय पंडित जी
गरुड़ प्राण का समापन करेंगे और जो रसम क्रिया पर पगड़ी लेकर आए हैं उनका भी आप सबकी तरफ से मेरी तरफ से धन्यवाद है। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो सगे संबंधी हैं जहां पगड़ी लेकर आए हैं वही शगन दें, दूसरों को मेरी गुजारिश है कि वे कृपया शगन देने का प्रयास ना करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अगली कार्रवाई के लिए मैं आदरणीय पंडित जी को माइक हैंड ओवर करता हूं। ओवर टू आदरणीय पंडित जी। लेडीज यहां बैठे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो मेरे से कलेक्ट कर लें, अदरवाइज जो बचेंगे लिफाफे वो हमारे आदरणीय पंडित जी के पास होंगे उनसे भी ले सकते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर जे ब्लॉक लुधियाना, दुर्गा माता मंदिर आई ब्लॉक लुधियाना, वृद्ध आश्रम लुधियाना। मुझे यह भी विनोद जी की बात याद आ गई, उन्होंने मुझे एक बड़ी ही खूबसूरत बात कही कि अगर वृद्ध आश्रम में मर्ज का दिया जाए तो बच्चों को माँ बाप का प्यार मिल जाएगा और माँ बाप को बच्चों का प्यार मिल जाएगा। मानव कल्याण समिति रजिस्टर्ड जे ब्लॉक लुधियाना, गुरुद्वारा साहब दशमेश जे ब्लॉक लुधियाना, श्री राधा संकीर्तन मंडल जे ब्लॉक लुधियाना, शिव शक्ति महिला मंडल जे ब्लॉक लुधियाना, श्री गोविंद धाम लुधियाना, अगर इनके रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हैं कृपया अपना लिफाफा मंच से कलेक्ट कर लें, धन्यवाद। जो पगड़ी लेके आए हैं कृपया पंडित जी को पहुंचाएं, साथ में पगड़ी की रस्म साथ में भगवान जी की आरती होगी, दोनों का जी साथ में है, मतलब साथ पकड़ी दो। ओम जय जगदीश हरे, जो स्वामी तो मैं अंतर्यामी
शांति शांति शांति।